Hi guys, fantastic. Another day is going to rock. Sorry, I had a Wi-Fi problem. So I've used my mobile data. So sorry for this, but in forever, challenges keep on coming. But as a leader, we should look for solution. But by the way, today we're going to talk on nutrition, which is a fantastic topic. A jabardast topic, especially in this corona time, where everybody tells you nutrition, and to take care of yourself with the best nutrition, and forever anyway has the best nutrition. So first of all, I'm not the speaker today. We have an excellent lady today who's mind-blowing, fantastic, and she has a fantastic knowledge on our products, and she's superb. So I will not want to waste the time. I will not talk to myself because today's speaker is she's outstanding, and unka jo aap training dekhenge, very straightforward, up to the point, and very nice. So main zyada time nahi lunga. I'd like to introduce Manisha Sonavne, and I'd like to invite her to take over the screen and handle the full show. So Manisha, can we have you, please? Oh, wow, very good. Hello, hi, namaste. Thank you, Manisha. Manisha, aapka bahut acha dikh raha hai, ekdam photo, video, background bhi bahut acha hai. Thank you. बहुत जबरदस्त दिख रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पूरे टीम ने हमारे पूरे टीम से लाइक टू से थैंक यू टू यू फॉर ब्लेसिंग अस विद दिस लवली ट्रेनिंग और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी आए हैं अपना जूम मीटिंग में एंड प्लीज थैंक मनीषा ऑल्सो और ऑल्सो रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज क्लोज योर वीडियोज सो मनीषा कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द ट्रेनिंग या सो मनीषा थैंक यू एंड सॉरी फॉर द डिले हम लोग को थोड़ा इंटरनेट का नो प्रॉब्लम But we'll always rock. Yeah. Thank you. भूल गए क्या ट्रेनिंग स्टार्ट करना इसीलिए मैंने आपको नहीं नॉर्मली हमारा ट्रेनिंग सब 8 बजे होता है 5 बजे बहुत कम होता है लेकिन तो भी मेरे को याद था लेकिन क्या है मेरे वाईफाई का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था सो देन आई कनेक्टेड ऑन माय डेटा मोबाइल डेटा एंड इट्स कनेक्टेड या जी जी थैंक यू तो मेरे कंप्यूटर के साथ में आज है तो आज मैं मोबाइल से ही कर रही हूँ सो थैंक यू वेरी मच साइमन सर साइमन सर के पास से बहुत कुछ सीखने जैसा है बहुत ही मतलब पैशनेटली ये बिजनेस करते हैं और एक दिन भी ऐसा गया नहीं कि साइमन सर ने ट्रेनिंग किया नहीं है तो वो डेली लगे हुए हैं ये लॉकडाउन का पूरा पूरा बेनिफिट जो है हम सब उठा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग को देख के और जब भी वो ऑफिस में भी रहते हैं तो पूरे फुल जोश में रहते हैं साइमन सर तो बहुत कुछ सीखने जैसा है थैंक यू वेरी मच सर मुझे आपको आपने यहाँ पे इन्वाइट किया उसके लिए तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है ना हेल्थ एंड न्यूट्रिशन तो पहले हम लोग देखेंगे कि ड्रिंक इंटरनल भी क्या जाना चाहिए और सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है हमारे लिए क्योंकि आजकल का जो खाना हो गया है ना इतना मतलब ऐसा हो गया कि जो आ रहे हैं हमारे पास में जो पहले के जमाने में जो खाना खाते थे इम्यूनिटी ऑटोमेटिक बढ़ती थी अभी तो इतना सारा सब कुछ लेने के बावजूद आजकल लोग काढ़े वाड़े सब बहुत कुछ पीने लगे हेल्थ के लिए हेल्थ कॉन्शियस होने लगे हैं लोग तो अभी ये जो काढ़े है ना बहुत सारे लोगों को नुकसान भी पहुंचाने लगे हैं कुछ लोगों को एग्जैक्टली अभी क्या लेना चाहिए सप्लीमेंट्स क्यों लेना चाहिए खाना पीना जो है सही से हो नहीं रहा है जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है क्योंकि हमारा एकमात्र सोर्स जो है ना एनर्जी लेवल बढ़ाने का वो होता है कार्बोहाइड्रेट फैट्स और प्रोटीन ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो हम हेल्दी रहते हैं ओके और उसके अंदर भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जैसे विटामिन्स है मिनरल्स है अमाइनो एसिड्स ये बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए विटामिन्स और मिनरल्स भी पानी लोग कम पीते हैं तो पानी पीना भी बहुत जरूरी है पानी भी एक न्यूट्रिएंट है तो ये भी शरीर के अंदर जाना जरूरी है आज हम लोग डिटेल में हर चीज जानेंगे कि सप्लीमेंट्स क्यों लेना है और कौन से सप्लीमेंट्स है जो आपको हेल्प कर सकते हैं तो हम लोग आज मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ में तो बने रहिएगा मेरे साथ प्लीज सबसे पहले जो है हम देखेंगे ड्रिंक्स सुभाष एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं ड्रिंक्स जो है यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड Who are we? कौन है हम एलोवेरा और हनी का प्रोडक्शन करने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है
सिर्फ इंडिया की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। एलोवेरा का जो वर्ल्ड वाइड कमर्शियल प्रोडक्शन होता है उसका तकरीबन जो है 85% जो है हम कंट्रोल करते हैं, और बाकी के 15% में लाखों करोड़ों कंपनियां हैं छोटी मोटी। हनी का जो वर्ल्ड वाइड कमर्शियल प्रोडक्शन होता है उसका तकरीबन 80% जो है हम कंट्रोल करते हैं, अगेन 20% में लाखों करोड़ों कंपनियां हैं छोटी मोटी। भी एलोवेरा की जो खेती होती है हमारे पास वो होते डोमिनिकन रिपब्लिक, टेक्सास और मेक्सिको में। ये नॉन पॉल्यूटेड एरियाज में जो है एलोवेरा उगाते हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ एलो बार्बाडेंसिस मिलर ये जाति का ही एलोवेरा जो है हम इस्तेमाल करते हैं। वी आर ऑल्सो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, मतलब क्या, तो प्लांट से लेके फिनिश प्रोडक्ट टू यू, ये प्रोडक्ट्स के बनने के प्रोसेस में जो कुछ भी होता है वो पूरा कंट्रोल करता है फॉरएवर लिविंग। तो इसे कहते हैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, मतलब पूरी जो क्वालिटी जो है वो मेंटेन होती है। व्हाट इज एलोवेरा, तो एलोवेरा क्या है, तो एलोवेरा ये सबको पता है लेकिन ये पता नहीं है कि 400 से भी ज्यादा वेराइटीज है। आउट ऑफ 11 आर पॉइजनस, 11 जातियां जो है उसके अंदर पॉइजन है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एलोवेरा हाँ हमें पता है, हमारी बालकनी में लगा हुआ है, हमारे गार्डन में आ गया है वो प्लांट, और कुछ लोग उसको खा रहे हैं, कुछ लोग गालों पे लगा रहे हैं, कुछ लोग बालों में लगा रहे हैं, और ना जाने क्या 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 एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी एलोवेरा ये सबको मालूम है, इसमें से सिर्फ 4 से 5 जो जातियां है ना उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। तो उसमें से एक जाति है जिसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। ये एलो बार्बाडेंसिस मिलर ये जाति का ही पौधा जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कि ये पौधा मैच्योर होता है, मैच्योर लीफ जो है अंदर का पल्प जो है हम सिर्फ उसी का ही इस्तेमाल करते हैं। अब ये पौधा दिखता कैसा है, तो ये कैक्टस की तरह दिखता है लेकिन ये कैक्टस नहीं है, ये लिली गार्लिक ओनियन फैमिली से ये बिलोंग करता है। विभिन्न प्रांतों में विभिन्न नामों से इसको जाना जाता है, जैसे इसको कुमारी कहा गया है। तो कुमारी का मतलब क्या होता है, यंग, क्योंकि कुदरत ने कुछ ऐसी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज उसके अंदर डाली हुई है, इसीलिए इसको कुमारी कहा गया है। संस्कृत में हम इसको द्रुत कुमारी कहते हैं। तो लोग बहुत सारे लोग यंग रहने के चक्कर में यहाँ वहां और जो कुछ भी मिला उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन एलोवेरा के अंदर ही एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से ना सिर्फ आपकी स्किन के ऊपर लेकिन अंदर जाता है, तो इंटरनली लेते हैं तभी वहां पे भी बहुत अच्छे से ये काम करने का स्टार्ट करते हैं। तो अंदर जाता है एलोवेरा तो कैसे काम करता है, ऊपर से लगाते हैं हम लोग स्किन के ऊपर तो ये कैसे काम करता है, ये हम आगे की स्लाइड में देखने वाले हैं। तो ये नेचुरल सेफ हर्बल प्लांट है जिसका इतिहास जो है ना ये बहुत ही पुराना है। जैसे इजिप्ट की जो रानी थी क्लियोपेट्रा, उसकी जो खूबसूरती थी ना उसका रहस्य था एलोवेरा। रिसेंटली महात्मा गांधी जी को भी पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि आप इतने लंबे उपोषण करते हो तो इसके पीछे क्या राज है। तभी उन्होंने बताया था कि वो जब भी साउथ अफ्रीका में थे तभी उनको एलोवेरा के बारे में पता चला था और तभी से वो एलोवेरा का सेवन करते आए थे। ये नेचुरल साइलेंट हीलर है, अंदर जाता है, आसानी से अपने काम करता है और बहुत सारे बेनिफिट जो है वो देता है एलोवेरा। तो आइए देखते हैं एक एक करके एलोवेरा के बेनिफिट। तो सबसे पहला बेनिफिट है वो है नेचुरल क्लेंजर, मतलब प्राकृतिक रूप से अंदर से ये साफ सफाई करने का काम करता है। सेकंड है एनाल्जेसिक इफेक्ट, बैक्टीरियासाइडल, वायरसाइडल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक। इसका मतलब ये है कि अंदर कहीं सूजन है, जलन है, इचिंग है, उसको दूर करने की क्षमता एलोवेरा के अंदर है। वायरस से लड़ने की ताकत एलोवेरा के अंदर है। बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत एलोवेरा के अंदर है। आप सोचो कि अभी हम लोग जो 2020 में जी रहे हैं, जैसे दहशत में जी रहे हैं, ये बैक्टीरिया ये वायरस जो है हम बहुत डर गए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो ये सब चीजों से फाइट करने के लिए हमें अंदर से तैयार कर देता है। तो ये क्योंकि कुदरत ने ही ऐसी प्रॉपर्टीज उसके अंदर डाली हुई है, इसकी वजह से ये मिराकुलस रिजल्ट जो है ये देता है। तो इसे मिराकल प्लांट भी कहा गया है। ये एक हाईली न्यूट्रिशियस प्लांट है।
कि हमारा जो शरीर है ना वो बना हुआ है सेल्स से। अब ये सेल्स को हेल्दी रहने के लिए 46 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। कहां में एलोवेरा से मिलते हैं 75 न्यूट्रिएंट्स एंड 200 कंपाउंड्स। सो ये सेलुलर लेवल तक जाके काम करता है हेल्दी सेल्स को, ये रीजनरेट करने का काम करता है, ये पेनेट्रेट करता है, अंदर तक चला जाता है क्योंकि उसके अंदर लिग्निन प्रॉपर्टी है, केराटोलाइटिक इफेक्ट होता है। मतलब क्या, तो हमारा शरीर जो है उसके अंदर निरंतर सेल्स जो है ना वो बनते रहते हैं। अब ये सेल्स निरंतर बनते रहते हैं तो कुछ डेड भी हो जाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने का और उसको डाइजेस्ट करने का काम जो होता है वो एलोवेरा का होता है। हेल्दी सेल्स को रिजनरेट करता है, स्किन को, त्वचा को नमी देने का काम एलोवेरा करता है। क्योंकि हमारा जो स्किन है उसका पीएच है 4.5 to 5.5 और एलोवेरा का भी पीएच है 4.5 to 5.5, तो इसीलिए सभी स्किन टाइप के लिए एलोवेरा सुटेबल है। हेलो तीन स्टेजेस में काम करता है। सबसे पहला स्टेज है क्लेंजिंग स्टेज, मतलब एलोवेरा के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है उसमें से एक है जिसका नाम है लिग्निन प्रॉपर्टी। लिग्निन प्रॉपर्टी क्या काम करता है, डीप पेनिट्रेट करता है। मतलब क्या, तो अगर आपने कोई भी क्रीम हमारा उठाया और स्किन के ऊपर अच्छे से लगाया, सर्कुलर मोशन में मसाज किया, तो वो थोड़ी देर के बाद वो दिखेगा नहीं ऊपर से। इसका मतलब क्या है, तो वो लास्ट लेयर तक चला गया लिग्निन प्रॉपर्टी की वजह से। और सेपोनिन प्रॉपर्टी जो है ये सोपी सब्सटेंस है, ये अंदर से साफ सफाई करने का काम करता है। तो ये सेपोनिन हमारे पास आता है लेडी फिंगर, जैसे हम लोग कट करते हैं तो उसमें से चिकट पदार्थ निकलता है, वो होता है सेपोनिन। अभी कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो वेली की भाजी कट करेंगे, फ्राई करेंगे और फिर उसको क्रिस्पी बना के फिर हम खाएंगे। तो हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं आज के दिन में वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए खाना खा रहे हैं, क्योंकि कुदरत ने जो हमारे लिए भेजा था जिसके अंदर बहुत अच्छे गुण धर्म थे जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी और अच्छे थे, वो सारे हमने डिस्ट्रॉय कर दिए। ओके, सो एलोवेरा के अंदर लिग्निन प्रॉपर्टी है जो डीप पेनेट्रेट करती है, सेपोनिन प्रॉपर्टी है अंदर से साफ सफाई करने का काम करती है। तो जैसे एक बार आपका बॉडी क्लीन हो जाता है तो उसको नरिशमेंट की भी जरूरत होती है। तो सेकेंड स्टेप आता है नरिशमेंट स्टेज। अभी एलोवेरा के अंदर विटामिन है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, फॉलिक एसिड है इसके अंदर, विटामिन B12 है। खास करके जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं उनमें ये B12 की कमी पाई जाती है। तो गुड न्यूज उनके लिए ये है जो वेजिटेरियंस है उनके लिए कि ये B12 एलोवेरा के अंदर अच्छी खासी मात्रा में मौजूद है। मिनरल्स है, मिनरल्स का काम क्या होता है, तो हमारे बोन्स को और मसल्स को स्ट्रेंथ देने का काम जो होता है वो मिनरल्स का होता है। तो मिनरल कौन से होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फरस, आयरन, आयोडीन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, जिंक एक्सेट्रा, बहुत सारे मिनरल जो है हमारे शरीर के अंदर जो है अच्छे से काम करते हैं। अगर एक भी मिनरल शरीर में कम हो गया तो बहुत सारी गड़बड़ियां चालू हो जाती है। जैसे अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम, हड्डियों के प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरॉइडिज्म हो जाता है, हाइपोथायरॉइड, है ना, हाइपर थायरॉइड। जिंक की कमी होती है तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह सब स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मिनरल्स का भी शरीर के अंदर होना बहुत ही जरूरी है। अमाइनो एसिड्स, ये क्या है, ये है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो बॉडी को बेसिक शेप देने का काम जो होता है ये अमाइनो एसिड्स का होता है। 22 अमाइनो एसिड्स में से 8 अमाइनो एसिड्स जो है वो बहुत ही असेंशियल है, बहुत जरूरी है, जो हमारा शरीर खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारा शरीर खुद ब खुद प्रोड्यूस कर लेता है, लेकिन ये जो 8 असेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो हमारा शरीर प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, और ये सारे अमाइनो एसिड्स हमको एलोवेरा के अंदर से मिलते हैं। लास्ट आता है थेरापेटिक स्टेज। तो थेरापेटिक स्टेज के अंदर ना एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम्स का काम क्या होता है, तो हम जो भी खाना खाते हैं वो खाने को विघटित करने का काम, वो खाने को पचाने का काम जो होता है वो एंजाइम्स का होता है। इसके अंदर एक अमाइलेज नाम का एंजाइम है,
जो हमारे शरीर के अंदर स्टार्च है, शुगर है, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो अगर आप सोचो शरीर के अंदर जो स्टार्च है और जो शुगर है उसको ब्रेक डाउन होता है, तो मिरेकुलस रिजल्ट जो है वो सामने आते हैं। लास्ट है एंथ्रोपिनोन्स, मतलब एंटी प्रॉपर्टीज, एंटी प्यूरिटिक, एंटी पायरेटिक, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, ये सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर आती हैं। अभी देखते हैं ये स्किन के ऊपर कैसे काम करता है। और यहाँ पे स्किन का जो है क्रॉस सेक्शन लिया गया हुआ है। तो स्किन के टोटल 7 लेयर होते हैं। इंपॉर्टेंट 3 लेयर है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस लेयर जो है आप उसको छू सकते हैं, आप उसको हाथ लगा सकते हैं। ये बाहर का लेयर है, आउटर लेयर, बहुत पतला वाला लेयर है ये। अंदर जो है डर्मिस है, इसको ब्यूटी लेयर भी कहा जाता है। इसके अंदर हेयर फॉलिकल्स है, ऑयल ग्लैंड है, नर्व रिसेप्टर्स है इसके अंदर। और इसके अंदर जो है ये एक सेंसरी ऑर्गन है, मतलब गर्म है, ठंडा है, खुरदुरा है, सॉफ्ट है, ये हर चीज पहले स्किन सहती है। तो उसको स्किन को सबसे पहले जो है वो पता चलता है। लास्ट लेयर आता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में फैट ग्लोबुल्स है जो हमारे ऑर्गन्स को और मसल्स को ये कवर किए हुए हैं। तो बहुत सारे लोग है ना जीरो साइज के चक्कर में क्या करते हैं, तो बहुत सारे फैट डाइट चालू है मार्केट में, बहुत सारे फैट डाइट्स। ओके, तो उसमें क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। वैसे भी जो पहले खाना खा रहे थे उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है, और ऊपर से ये फैट डाइट्स। तो होता क्या है, हमारा शरीर जो है ना उसको एनर्जी के लिए सबसे पहला सोर्स होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे चपाती है ना, और राइस है, ब्रेड है, ये सारा कार्बोहाइड्रेट जो है वो जरूरत होती है। अगर कार्ब्स नहीं मिला ना शरीर को, तो शरीर प्रोटीन मांगता है। तो प्रोटीन भी अगर नहीं है, कार्ब्स भी अगर आप नहीं दे रहे हो शरीर को, तो लास्ट में क्या करता है शरीर, हमारा जो फैट्स रहता है ना उसको ही जो है एनर्जी के लिए यूज करने के लिए काम करने लगता है। तो ये फैट जब भी एब्जॉर्ब होता है शरीर के अंदर से, नतीजन क्या होता है, स्किन के ऊपर की जो एक स्प्रिंग होती है ना वो लटक जाती है, और नतीजन होता है रिंकल्स एंड फाइन लाइंस। ओके, तो आप देखो 2 दिन अगर 3 दिन खाना बिल्कुल नहीं खाया है तो उसकी हालत कैसी हो जाती है, पूरा चेहरा जो है डल हो जाता है, ड्राई हो जाता है, सूखा हुआ रहता है वो स्किन जो है। अभी हमारे यहाँ पे एक अच्छा कॉम्पिटिशन चालू है, ये फैट डाइट्स आप बंद कर दीजिए, न्यूट्रिशियस वे से जो है तो आपको बहुत ही अच्छा वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है जिसका चैलेंज जो है वो स्टार्ट होने वाला है 2 अक्टूबर से, तो आप 3 अक्टूबर से सॉरी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, उसको स्टार्ट कर सकते हो। न्यूट्रिशियस वे से जो है अगर आप करते हो तो आप हेल्दी दिखते हो, आपका स्किन भी ग्लो करने लगता है। तो क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि अंदर से अगर आपने पोषण दिया तो वो स्किन के ऊपर दिखता है, तो एलोवेरा का जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बहुत स्मॉल होने की वजह से वो सीधा एपिडर्मिस से हाइपोडर्मिस तक चला जाता है। अगर आप ऊपर से टॉपिकल एप्लीकेशन कुछ भी एलोवेरा के हमारे प्रोडक्ट्स लेके करते हो तो, लेकिन अंदर से पोषण लेना है तो आपको न्यूट्रिशियस खाना जो है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी स्किन नीचे से ऊपर आती है 21 to 28 days में। तो जब भी नीचे से ऊपर स्किन आएगी वो नई निखरी हुई रेडियंट स्किन जो है वो आपको नजर आएगी। इसीलिए अंदर से पोषण भी देना उतना ही जरूरी है जैसे ऊपर से अगर आप कोई भी क्रीम या कुछ भी लगाते हो तो। तो इनर ब्यूटी जो है वो बहुत ही आज के दिन में नेचुरल ब्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ केमिकल्स लगाओ से बेटर है कि हमारे प्रोडक्ट यूज कीजिए, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। सो हमारा ये इंटरनली हम एलोवेरा कैसे काम करता है वो एक समझ लेते हैं कि क्या है ये। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है ना उसके प्रमुख 2 अंग रहते हैं, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इंसान के हाइट के हिसाब से 21 से 28 फुट की रहती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो होती है 6 से 7 फुट। मतलब इतना लंबा ट्रैक है 21 से 28 फुट का, वो स्ट्रेट नहीं है, अंदर पड़ा है बाइसिकल की ट्यूब की तरह। अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखे और इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो आप ये पिक्चर देख रहे हो है ना, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये विलाई है, नीचे जो डॉट्स देख रहे हो ये रूट्स है। तो हम जो भी खाना खाते हैं वो पास आउट होता है रूट्स द्वारा
न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होता है, बाकी का वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर फेंका जाता है। अभी आप देख रहे हो अंदर पूरा जो है जो ब्लैक वाला पोर्शन देख रहे हो ना, ये टॉक्सिन्स है। अब ये टॉक्सिन्स जमा होने का एकमात्र कारण खाना नहीं है, ऑफकोर्स खाना भी एक रीजन है, पर बहुत सारे रीजन भी है बाकी के, जैसे पानी क्लोरीन डाले वगैरह आता नहीं, वातावरण में जो पॉल्यूशन है, खाना पीना तो पूछे ही मत, प्रिजर्वेटिव वाला फूड, ऑयली फूड, जंक फूड, ये सब कुछ जो है वो अंदर जा रहे हैं। और ऊपर से एक चीज और है जो हमने खुद ने क्रिएट की है, वो है स्ट्रेस। अभी जिसको देखो उसको स्ट्रेस में है आज के दिन में, आप जॉब पे जाते हैं उन लोग स्ट्रेस में है क्योंकि जॉब रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं है ना, जिन बहुत सारे लोगों के तो जॉब छूट गए हैं, कुछ बिजनेसेस बहुत टाइम से बंद पड़े हैं, वो सारे स्ट्रेस में है, आगे फ्यूचर में उनको क्या होने वाला है कुछ अता पता नहीं है। तो ये स्ट्रेस में होता क्या है, पूरी ताकत जो है दिमाग में वो सोचने में लग जाती है और जो पाचन संस्था है ना वो धीमी पड़ जाती है, और उसकी वजह से भी ये टॉक्सिक मटेरियल जो है वो जाम होने लगते हैं। अभी देखते हैं आगे, ये आप देख रहे हो राउंड वाला जो है छोटा सा जो ब्लिंक हो रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, और बाजू में देख रहे हो वो है लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहला पिक्चर आप देख रहे हो, ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि एक छोटे बेबी का सिस्टम है, एक आइडियल क्लीन सिस्टम है। ये छोटा बच्चा जो सिर्फ माँ के दूध के ऊपर डिपेंड है, वो जितनी बार खाता है उतनी बार न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब होके बाकी का वेस्ट मटेरियल बाहर फेंका जाता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो हम अच्छी अच्छी आदतें लगाते हैं, अच्छी बोलो बुरी बोलो, चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर, कुरकुरे, लेज वगैरह वगैरह, ये सब वातावरण का पॉल्यूशन सब कुछ जो है। अभी स्ट्रेस भी बच्चों को उतना ही है, पहले तो स्कूल में जाना पड़ता था बड़ी बड़ी बैग लेके, अभी लैपटॉप के सामने मोबाइल के सामने ऑनलाइन क्लासेस में बैठना पड़ता है जबरदस्ती। तो ये सारा भी स्ट्रेस है क्या, पेरेंट्स को तो है ही है लेकिन बच्चों को भी उतना ही है, और ऊपर से एग्जाम्स वेग्जाम्स ये सब चालू हो गए हैं उनके, तो ये सारा स्ट्रेस जो है ये धीरे धीरे धीरे, मैंने बताया कि जैसे आप पूरा टॉक्सिक मटेरियल जो है ऐसे धीरे धीरे जाम होने लगता है। और आयुर्वेद का ग्रंथ उसके पहले पन्ने पे लिखा है कि अगर आपका पेट साफ है तो कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती है, लेकिन आपके पेट में ही गड़बड़ है तो कितना भी अच्छा से खाना खाओ, कितना भी न्यूट्रिशियस खाना खाओ, कुछ असर होने वाला नहीं है क्योंकि पूरा ऊपर ऊपर से निकल जाएगा, क्योंकि रूट द्वारा जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो वो रूट द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, रूट तक पहुंचने के लिए वो जगह तो चाहिए, वो सारा टॉक्सिक मटेरियल से भर गया हुआ है, तो वो न्यूट्रिशियस खाना खाओ कुछ भी खाओ सारा ऊपर ऊपर से जो है निकल जाता है। आप थर्ड पिक्चर में देख रहे हो कि जैसे आपने एलोवेरा का सेवन स्टार्ट किया, क्योंकि एलोवेरा के अंदर लिग्निन प्रॉपर्टी है उसकी वजह से अंदर से जो है पूरा क्लीन हो रहा है, सेपोनिन प्रॉपर्टी जो है सोपी सब्सटेंस है वो साफ सफाई करने का काम करता है, लिग्निन प्रॉपर्टी डीप पेनेट्रेट करता है, सेपोनिन प्रॉपर्टी अंदर से साफ सफाई करने का काम करता है। तो आप देख सकते हो थर्ड पिक्चर में जो है पूरा क्लीनिंग जो है वो प्रोसेस चालू हो गया है। तो अभी आप सोचोगे कि बाहर भी तो इतने सारे एलोवेरा मिलते हैं तो हमारा ही एलोवेरा क्यों, फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिखाया गया है एलोवेरा होली प्रोसेस एलोवेरा जेल। बाहर बहुत सारे एलोवेरा जेल के पत्ते जो है वो बिक रहे हैं, लोग बेच रहे हैं एलोवेरा के पत्ते, बाहर बहुत सारे जूसेस है जेल है जो बिक रहे हैं, तो बाहर के जितने भी एलोवेरा जेल या जूसेस है वो ज्यादा करके पूरे पत्ते के साथ में निकाला गया जूस रहता है। पत्ता जो ग्रीन पार्ट होता है उसके अंदर एक लैक्सेटिव एजेंट होता है, अगर एक्सेस मात्रा में अंदर चला गया तो आपको डिहाइड्रेट करके छोड़ेगा। ठीक है, तो बाहर के जितने भी जेल या जूसेस है हमें ये पता नहीं कि कौन सी वैरायटी का एलोवेरा इस्तेमाल किया गया है, कितने साल का वो पौधा हुआ है, वो पौधा तोड़ने के बाद जब फार्म से फैक्ट्री तक आता है तो कितना टाइम हुआ है हमें ये पता नहीं है, राइट। तो जब भी फार्म से फैक्ट्री तक वो पौधा आता है मतलब फैक्ट्री तक पहुंचता है तब तक क्या होता है कि वातावरण के संपर्क में आने की वजह से एलोवेरा के अंदर जितने भी गुणधर्म थे वो सारे नष्ट हो चुके हैं, और फिर अंदर हम लोग जो भी एलोवेरा जेल लेते हैं जो कमर्शियल बार मिलता है वो सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि अंदर कुछ भी बचा हुआ नहीं है। तो हमारे पास भी फार्म्स है
हमारे पास भी फैक्ट्री है, क्योंकि हमारे फार्म्स हमारी फैक्ट्री के नजदीक होने की वजह से ये जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है ना, वो हम होने ही नहीं देते हैं। तो 100% सुटेबल है ये इंटरनल कंजम्पशन के लिए, क्योंकि कोई भी न्यूट्रिएंट जो है ये लॉस हुआ नहीं है। वाई SLP एलोवेरा तो यूनिक है, यूनिक। हम लोग सिर्फ एलो बारबाडेंसिस मिलर या जाति का ही एलोवेरा इस्तेमाल करते हैं। ये पौधा 2 से 4 साल का होता है, मैच्योर होता है, मैच्योर लीफ हाथ से कट करके अंदर का पल्प ही इस्तेमाल करते हैं। ये स्टेबिलाइज्ड एलोवेरा है, जिसका पेटेंट जो है हमें हमारे पास है। इसके अंदर किसी भी तरह का हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, आर्टिफिशियल कलरिंग, फ्लेवरिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। नेचुरली स्टेबिलाइज्ड एलोवेरा जेल है ये। तो अभी मैंने बताया तो प्रमाण पत्र भी चाहिए, राइट? तो यहाँ पे आपके पास सामने है सील्स ऑफ अप्रूवल। तो सबसे पहला सील है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का सील, सेकंड है कोशर रेटिंग मतलब के रेटेड फूड मतलब हाइजीनिक फूड, तीसरा है हलाल सील। हलाल सील का मतलब ये होता है कि इसके अंदर किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल अल्कोहल नहीं, कोई जानवर का चर्बी नहीं है। ये सील जो है आपने ऊपर और एक देख रहे हो, एनिमल्स के ऊपर हमने टेस्ट किए गए नहीं है। ये सारे प्रोडक्ट्स जो है ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे पहला अभी आते हैं हमारे ड्रिंक्स के ऊपर। ये सबसे पहला ड्रिंक है जो एकदम नेचुरल है, 99.70% प्योर एलोवेरा इसके अंदर है। विटामिन सी से ये भरपूर है और एनर्जी जो है वो बढ़ाने का ये काम करता है। ये काम क्या करता है, तो बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है। बॉडी को डिटॉक्स, अंदर जितना भी कचरा जमा हुआ है उसको निकालने की क्षमता एलोवेरा के अंदर है। पूरा अंदर से ये साफ सफाई करने का काम करता है। इम्यून सिस्टम जो है उसको बूस्ट करने का काम करता है। इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आजकल लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, पर ये है नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है ये। तो आप इसको पीना कभी है, मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक पीना है, खाली पेट लिया तो ज्यादा बेनिफिट एलोवेरा देता है। कितना ले सकते हैं आप, 100 to 120 ml आराम से ले सकते हैं आप एक टाइम पे। और उसका ये लेने के 20 मिनट के बाद आपको लुक वार्म वाटर पीना है, गुनगुना पानी आपको पीना है, ठीक। और उसके बाद में आप रात को वापस आप पी सकते हो, खाना खा लिया 2 घंटे के बाद आप वापस एलोवेरा जेल लेके सो सकते हो। आपने रात को गुनगुना पानी नहीं पिया तो भी चलेगा। ये बॉटल अगर आपने नई ली है ना, तो इसको हमेशा शेक करने का, बॉटल को ऊपर का ढक्कन निकालते हो ऐसे। आप एलोवेरा ले लीजिए आप कप के अंदर, और ये बॉटल पूरा रेफ्रिजरेट करना है, उसको फ्रिज के अंदर रखना है, ठीक। जब भी आप फ्रिज से निकालते हो बॉटल, जब भी एलोवेरा पीना है तो इसको शेक करके लेना है और ये बॉटल वापस फ्रिज में रखना है। और जो निकाला हुआ एलोवेरा जेल है ना, बिल्कुल ठंडा ठंडा बिल्कुल मत पीजिएगा। जी, बहुत सारे लोग ठंडा ठंडा एलोवेरा जेल पीते हैं और फिर सर्दी हो जाती है, और फिर बोलते हैं हमको सर्दी हो गई किसकी वजह से, एलोवेरा की वजह से। तो एलोवेरा की वजह से बिल्कुल सर्दी नहीं होती है, क्योंकि आप ठंडा पी रहे हो उसकी वजह से सर्दी होती है। तो प्लीज ये चीज का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। आपको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आने दीजिए, 2, 5, 10 मिनट के बाद आपको जैसे आपको लगता है वो हिसाब से आप एलोवेरा पी सकते हो। तो ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, एनर्जी लेवल को ये बढ़ाने का काम करता है। इसके अंदर किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव डाला हुआ नहीं है। और गुड न्यूज ये है कि अभी आपने 3 अगर बॉटल लिया तो छोटा ट्राई पैक वाला जो है ना एलोवेरा का, एक पैक आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिलता है ये। तो ये जो ऑफर है आप जल्दी से जल्दी लीजिए, स्टॉक जब तक रहेगा तब तक ही आपको ये प्रोडक्ट मिल सकते हैं। अगर हो सकता है रात को स्टॉक खत्म हो गया तो आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ऑर्डर डाल दीजिए। तो 3 एलोवेरा जेल का, 1 लीटर वाला 3 एलोवेरा जेल का बॉटल लिया तो ट्राई पैक का 1 पैकेट फ्री है आपको। ओके, 6 तारीख से लेके 6 से 10 अगस्त ये पुराना है, पर अभी भी ये ऑफर है, लेटेस्ट ऑफर है ये। ओके, सो भले डेट उसके अंदर ये रहेगा। सेकंड ड्रिंक है एलोबेरी नेक्टर, इसके अंदर 90% प्योर एलो लीफ है और एलोवेरा है। विटामिन सी से ये भरपूर है। इसके अंदर क्रैनबेरीज और एप्पल का जूस है। तो क्रैनबेरीज जो है ना वो सदियों से इस्तेमाल करते थे किसके लिए,
तो ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, किडनी स्टोन वगैरह के लिए प्रॉब्लम है, उसके लिए क्रैनबेरीज जो है वो यूज करते आए हैं सदियों से। साथ में एप्पल भी है, तो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो एप्पल के अंदर पोटेशियम है, पेक्टिन है, जो पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट है ये। तो एलोबेरी नेक्टर जो है, ये यूटीआई का इंफेक्शन वगैरह कुछ भी है तो उसके लिए भी बहुत ही फायदेकारक है। तो ये आप एलोबेरी नेक्टर कभी भी ले सकते हो, पर मैंने बताया कि अगर एम्प्टी स्टमक जितना लिया उतना ज्यादा फायदा हो सकता है। एलोपीचस ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, ये मीठा वाला ड्रिंक है। 84.5% इनर लीफ एलोवेरा है, साथ में विटामिन सी से ये भरपूर है। चंद्रिपन पीचस है, इसका जूस इसके अंदर मिलाया गया है। खास करके जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको बहुत अच्छा लगता है ये। तो जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आईसाइट के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। इम्यूनिटी बूस्टर तो ऑब्वियसली ये सारे ड्रिंक्स है ही है। और हमें कुछ इंटरनेशनल अवार्ड दिए हैं, बर्न कांग्रेस ने अवार्ड दिया है, अवार्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड पे। एक और अवार्ड जो हमें रीडर डाइजेस्ट ने दिया था, हमारी बेस्ट टूथ जेल को ईयर 1999 में ये अवार्ड दिया गया था। फिर एफएलपी फिलीपींस, एफएलपी हांगकांग ने भी हमें अवार्ड से नवाजा है। और अभी हम आते हैं, हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है न्यूट्रिशन का। तो बने रहिएगा मेरे साथ में। न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन लेना क्यों जरूरी है? हम जो खाना खा रहे हैं ना, वो शरीर का जो है फ्यूल की तरह काम करता है ना, एनर्जी देने का ये काम करता है। हमारा शरीर जो है सुचारू रूप से चलता है इसकी वजह से। तो हमारे खाने के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, अमाइनो एसिड जो होते हैं ना, वो लंबी आयु के लिए बहुत ही जरूरी है, जिसकी वजह से हमारा शरीर डिजीज से फाइट करता है, जो बीमारियों से फाइट करने का काम करता है। अच्छा न्यूट्रिशन जो होता है वो हमारी अच्छी सेहत को प्रमोट करता है, जबकि गलत खाना जो है हमारे रोग, हमारे शरीर में रोगों को आमंत्रण देने का काम करता है। तो जितनी भी बीमारियां होती है उसका कारण जो होता है खाने के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीजों की कमतरता की वजह से होती है। तो डेफिशिएंसी की वजह से जो है ये बीमारियां होती है। ज्यादा तला हुआ खाना, जंक फूड, प्रिजर्वेटिव वाला फूड, ये आजकल खाने में ज्यादा आ रहा है। तो आजकल बहुत सारे लोग मास्टर शेफ बन गए घर के अंदर, और क्या क्या ना जाने क्या क्या चीजें बनाते हैं और खा रहे हैं। ठीक है, घर का खाना है, न्यूट्रिशियस है अगर, लेकिन उसके अंदर आप मैदा ज्यादा हो रहा है, उसके अंदर चीज ज्यादा, बटर ज्यादा हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके शरीर को वो हार्म पहुंचाता ही है। तो इसीलिए जो है सात्विक खाना खाना बहुत जरूरी है, जो पोषण देता है शरीर को। तो हम लोग क्या करते हैं, अन्न को पहले ना परब्रह्म मानते थे, मतलब थाली के अंदर जो भी खाना परोसा गया है वो सब जो है हमारे शरीर के लिए जरूरी खाना है, जो पोषक देने का, पोषण देने का काम जो है वो खाना होता था। तो वो औषधि की तरह काम करता था, जो हम लोग पहले खाना खाते थे पूरी थाली में जितने भी चीजें थी, तो औषधि की तरह काम करती थी। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे घर में जो फ्रूट्स आ रहे हैं, जो वेजिटेबल्स आ रहे हैं, जो भी चीजें आ रही है, उसमें हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड सब कुछ मारा हुआ रहता है। तो ये जो मिलना चाहिए हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स, लेकिन अंदर जो जा रहा है वो जा रहा है केमिकल्स, और इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे हमको सप्लीमेंट्स की जरूरत जो है वो होती है। तो सप्लीमेंट्स क्या करते हैं, वो जो हमको खाने में से नहीं मिल पा रहा है वो सप्लीमेंट्स पूरा कर देता है। तो सारे विटामिन्स, मिनरल्स जो है उसमें से हमको सप्लीमेंट्स से मिल जाता है, तो हमारी शरीर एक तैयार हो जाता है सारे डिजीज से फाइट करने के लिए। तो सप्लीमेंट्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और ऑयल सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल टेबलेट फॉर्म में होते हैं, ऑयल सॉल्युबल जो है वो कैप्सूल फॉर्म में होते हैं। तो सप्लीमेंट्स का खाना जो है बहुत ही जरूरी है, और हमारे पास खास करके दुनिया के सबसे बेहतरीन सप्लीमेंट्स जो है वो हमारे पास है। हमारा खुद का न्यूट्रास्यूटिकल है, वो भी 82,700 स्क्वायर फीट एरिया में न्यूट्रास्यूटिकल है। हर जो प्रोडक्ट जो बनता है वो 333 टाइम्स जो है लेबोरेटरी में उसको टेस्ट किया जाता है, और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास आता है।
तो दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास है वो देखते हैं कि क्या क्या है। ये है फॉरएवर का हनी। तो ये हनी जो है सिर्फ हनी नहीं है, 100% बी हनी है ये। तो ये स्पेन के इफेक्टिव एनवायरनमेंट में मधुमक्खी का पालन किया जाता है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट रहता है, जहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स है, जहाँ पे फ्लावर्स ऐसे लगाए गए हैं, और वो वेदर जो है वो मधुमक्खियों के लिए बहुत सूटेबल है। तो जितनी मधुमक्खियां खुश रहेगी उतनी ज्यादा हमको खुशी खुशी हनी देगी मीठा वाला। तो ये जो हनी है ये 4000 वर्षों से भी पहले से ये हनी का बहुत ही मतलब इतिहास बहुत पुराना है। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा में क्या करते थे, हनी को यूज करते थे। तो पहले के हकीम बाबा लोग रहते थे ना, हकीम लोग जो पूड़िया देते थे जड़ी बूटी वाली, और वो पूड़िया देते थे सुबह हनी के साथ में खाओ, दोपहर को हनी के साथ में खाओ ना। तो ये हनी अगर वो उनकी जो जड़ी बूटियां हैं उनके साथ में मिलाई जाती थी, तो जो जड़ी बूटियां रहती थी ना उसका गुणधर्म वो बढ़ा देती थी। तो इसीलिए जो है ये हनी दिया जाता था। तो ये हनी जो है एनर्जी भी देता है साथ में, ओके, और जड़ी बूटियों के साथ में उसके गुणधर्म भी बढ़ जाते हैं। तो हनी के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। हनी में 96 न्यूट्रिएंट्स है, ठीक। और ये जो फॉरएवर का बी हनी है ना, इसके अंदर विटामिन ए है, B1, B2, B3, B5, B6 इसके अंदर है। इसमें कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, बायोटीन है, इसमें B12 है। ये सारे मिनरल्स और अमाइनो एसिड ये सब कुछ हनी के अंदर है। हनी एक ब्रेन टॉनिक है, तो आप बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों की जो विचार करने की क्षमता है वो बढ़ने लगती है, ओके, आईक्यू लेवल जो है इसकी वजह से बढ़ने लगता है। एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है ये, इंस्टेंट एनर्जी देता है हनी। हनी के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज में से एंटीवायरल है हनी, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, कोल्ड कफ फ्लू अस्थमा वगैरह जो रहता है ना उसके अंदर भी हनी फायदा देता है। तो हनी को बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं लोग, बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। मैं एक बताती हूँ आपको, स्पोर्ट्स पर्सन अगर हनी लेना स्टार्ट करते हैं प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है उनके लिए, क्योंकि ये एनर्जी बूस्टर है, तो स्टेमिना भी बढ़ाने का काम करता है। सुबह 2 चम्मच हनी को गुनगुने पानी में लिया जाए तो बोलते हैं कि वजन जो है उसके अंदर फायदा होता है। स्किन को अगर ग्लो करना है ना, बहुत लोगों को ग्लो चाहिए, नेचुरल ग्लो चाहिए, हनी और दही दोनों मिक्स करा के आप पैक लगा सकते हैं फेस के ऊपर, या हनी या हमारा फॉरएवर का स्क्रब इस्तेमाल कीजिए। दोनों को अच्छी तरह से मिला के अगर आपने अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज किया और थोड़ा टाइम छोड़ दिया फेस को ऐसे ही हनी और स्क्रब के साथ, उसके बाद अगर आप फेस वॉश करते हो तो आपका स्किन बहुत ही अच्छे से ग्लो करने लगता है। हनी पहले बहुत पहले आंखों के लिए इस्तेमाल करते थे, आंखों में अंजन की तरह डालते थे हनी को, तो आंखों की आईसाइट जो है रहती है ना उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आता था, चमक जो है आंखों की रोशनी जो है उसमें भी बहुत फर्क नजर आता था। तो हनी एक कंप्लीट फूड है, आप इसको ले सकते हो, सुबह 2 चम्मच ले लिया तो आपको फुल डे आप एनर्जेटिक फील करोगे। रॉयल जेली ये क्या है, ये फाउंटेन ऑफ यूथ इसको कहते हैं। तो जिनको यंग रहना ना, फॉरएवर यंग, तो उनके लिए ये रॉयल जेली है। ये यंग किसको नहीं रहना है, यंग सबको रहना है, राइट। तो ये क्वीन बी का खाना है। क्वीन बी जो रहती है ना वो आकार में बड़ी रहती है, और मतलब साइज में वो बड़ी रहती है, और इसका आयु जो है उसका वो 5 से 7 साल का होता है, ओके। वो 5 to 7 years ये क्वीन बी जो है वो जीती है। दिन में 3000 अंडे जो है ये देती है, तो उसका जो फर्टिलिटी पावर है वो भी बहुत अच्छा है, और उसका जो खाना है ना वो है रॉयल जेली। तो रॉयल जेली क्या है, तो मधुमक्खियां एक वर्कर बीज जो रहती है ना उसका आयु 5 to 7 weeks ही रहता है। तो ये वर्कर बीज का काम क्या रहता है, हनी को मतलब नेक्टर जो है इकट्ठा करना, और उसके साथ में ये अपने मुंह में जो है सलाइवा तैयार करता है, खीर के जैसे पदार्थ तैयार करता है, और वो क्वीन बी को खिलाते हैं। तो वो जो रहता है वो होता है रॉयल जेली। रॉयल जेली ये मीठा है, इसको अगर जबान के नीचे रख के अपने सलाइवा के साथ मिक्स करके अगर लिया जाए अंदर
तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है तो, क्योंकि इसको असाध्य रोगों से भी को दूर करने की क्षमता रॉयल जेली के अंदर है। इसके अंदर विटामिन ए है, सी है, डी है और इसके अंदर विटामिन ई है। बी कॉम्प्लेक्स का तो ये भरपूर खजाना है। तो रॉयल जेली अस्थमा, कैंसर, डायबिटीज, थायराइड, अल्जाइमर वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। लंबी आयु के लिए, दिमाग को शांत रखने के लिए बहुत अच्छे से काम में आती है, क्योंकि आजकल दिमाग है ना बहुत ज्यादा थक जाता है। मतलब फिजिकली काम कुछ नहीं होता है, सिर्फ दिमाग को बैठे रहने, बैठे बैठे भी लोग थक जाते हैं। क्यों थकते हैं? तो वो हमेशा स्क्रीन के सामने रहते हैं, कि हमारा भी काम अभी स्क्रीन के सामने ज्यादा होने लगा है। हम लोग का पहले से ज्यादा हम लोग स्क्रीन को सामने रख के ही काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है ना, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, दिमाग थक जाता है। आजकल लोगों को जॉब जो करते हैं ना, उनको जो वर्क फ्रॉम होम रहता है, उन लोग की तो बहुत बैंड बजी हुई है, क्योंकि पहले ऐसा रहता था कि 10 बजे से 6 बजे तक काम कर लिया, उसके बाद छुट्टी हो जाती थी, तो उसके बाद उनका मी टाइम रहता था, वो 6 बजे के बाद वो कुछ भी करते थे। लेकिन अभी हुआ क्या है कि अभी घर पे बैठे है ना, तो और काम करो और काम, 12 घंटे तक जो है वो काम कराते हैं, पूरी अच्छे तरह से निचोड़ लेते हैं। पता नहीं सैलरी कितना देते हैं, मिलता भी है नहीं, वो अलग पार्ट है, पर थक जाता है इंसान उसके सामने बैठ के। तो स्ट्रेस लेवल जिनका बढ़ गया है ना, उनको आप रॉयल जेली दो। तो रॉयल जेली का मार्केट आज के दिन में बहुत बढ़ गया है, तो आपको जहां कहीं ऐसे लोग दिखते हैं कि जिनका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, जो पूरे पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठ के काम कर रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही फायदेकारक है रॉयल जेली। अभी आते हैं हमारे और भी न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट जो है वो, ये ओमेगा 3, और ये बहुत सारे बेनिफिट देता है। ओमेगा 3 जो है ना, ये इसके बेनिफिट कौन नहीं जानता है। आप न्यूज़पेपर देख लो, मैगजीन्स देख लो, इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें ओमेगा 3 के बारे में है, इतने सारे बेनिफिट जो है ओमेगा 3 के बारे में बताए गए हैं। तो ये ओमेगा 3 कहाँ कहाँ काम करता है, तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज, ये जो है ना आज के दिन के लीडिंग कॉज है ये डेथ के। मतलब आप मानोगे नहीं, पर मैंने तो ऐसा सुना हुआ है कि ये कोरोना या जो भी है कोविड, तो वो जो है ज्यादा करके ये जिनको हार्ट प्रॉब्लम है या डायबिटीज है या किसी को बीपी वगैरह का प्रॉब्लम है, उनको ज्यादा उनसे डर है, तो वो ज्यादा करके वो डरे हुए लोग है जो जिनको डर लगता है ये सारे डिजीज होने की वजह से। आप उनको ओमेगा 3 जो है आप उनको रिकमेंड कर सकते हो कि आप ये बहुत ही फायदा करता है। तो स्टडीज ये बताती है कि जो ओमेगा 3 लेते हैं ना, उनमें हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, ये सब होने की संभावना कम हो जाती है। तो ओमेगा 3 फाइट करता है एंजाइटी से, डिप्रेशन से भी ये काम करता है, जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है ये, ब्रेन फंक्शन बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत उसके लिए जरूरी है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है ओमेगा 3, क्योंकि जो बंगालीज आप देखोगे उनकी स्किन ना चमकती रहती है, वो चमक जो होता है क्योंकि वो लोग रोज फिश खाते हैं, उसकी वजह से उनका स्किन चमकता है। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो भी इससे बढ़ जाता है, फैटी एसिड जो है वो फैट्स को दूर करता है, इन्फ्लेमेशन जो होता है वो भी दूर हो जाता है ओमेगा 3 की वजह से। तो ये जो है मैंने अभी बताया कि ब्रेन फंक्शंस के लिए, हेल्दी हार्ट वगैरह, स्किन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन ई है इसके अंदर। तो हमारा जो प्रोडक्ट है इसका नाम है फॉरएवर आर्टिक सी। अभी आर्टिक सी क्या है, तो फिश ऑयल और ऑलिव ऑयल का कैप्सूल है, जिसके अंदर ओमेगा 3 के साथ में ओमेगा 9 भी है। ठंडे समुद्र के अंदर जो फिश रहती है, मैकरल, ट्यूना, सालमन जो है, ये फिश होती है, उसका ये ऑयल है। ओमेगा 3 के बेनिफिट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कि बहुत सारे बेनिफिट्स है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये 60 टैबलेट्स है, आप दिन में 2 ले सकते हो पानी के साथ, अफकोर्स खाना खाने के पहले भी आप इसको ले सकते हो और आपकी जान को बचा सकते हो। सो ये सप्लीमेंट लाइफ टाइम अगर लेते रहोगे तो भी कोई भी नुकसान नहीं है, ठीक है। सो आप ये डेली रूटीन में आप एलोवेरा के साथ में फॉरएवर का आर्टिक सी जरूर ले। विटामिन सी के फायदे जो है वो बहुत सारे हैं, और आजकल तो सब बोलते हैं कि विटामिन सी खाना ही चाहिए आपको, इम्यूनिटी बूस्टर है विटामिन सी।
तो इससे क्या होता है, तो ये कॉमन कोल्ड वगैरह जो रहता है ना उसको ये क्योर करता है, ठीक है, फ्री रेडिकल से ये फाइट करता है। तो बाहर के जितने भी जीवाणु आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं ना, वो सारे सबसे ये फाइट करने का काम करता है, शरीर को स्ट्रेंथ देने का काम करता है, ये नेचुरल डिफेंस की तरह काम करता है। हमारे शरीर के अंदर जो टिश्यूज है ना, उसके ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए और उसके रिपेयर के लिए भी ये बहुत अच्छे से ये काम करता है। आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हेल्दी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, स्किन को मतलब प्रोटेक्ट करता है कैंसर वगैरह से भी, मेमोरीज जो है वहां पर भी अच्छे से फायदेकारक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है दिमाग उसको, उसे भी ये सी प्लस जो है ये बचाता है। तो सी प्लस लेना बहुत जरूरी है। और हमारे पास जो सी प्लस है ना, वो बहुत ज्यादा टेस्टी है। ओके, ये आप डायरेक्ट मुंह में डाल के च्यूएबल टैबलेट्स की जैसे ये खा सकते हो। एक से मन नहीं भरा तो डेफिनेटली दो तीन ले सकते हो, इसमें लिखा हुआ है कि एक खाना है दो खाना है, पर आप बिंदास आप इसको खा सकते हो। तो ये फ्री रेडिकल से जो होता है ये फाइट करने का काम करता है। ये नए फॉर्मूले से ये बना हुआ है, इसके अंदर आंवला है और हेस्प्रिडिन है। आंवला जो है ना, ये आपको मतलब बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है आंवला। और ऐसा बोलते हैं कि आंवले का जो पेड़ रहता है उसके नीचे अगर आप सोए तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, उसके पेड़ के नीचे बैठ के खाना खाया तो भी बहुत सारे बेनिफिट। तो आप सोचो कि विष्णु भगवान को भी आंवला जो है वो बहुत ही पसंद आता था। तो ये आंवला फ्रूट है इसके अंदर, और हेस्प्रिडिन है। हेस्प्रिडिन जो है वो कच्चा फ्रूट जो रहता ना, जिसके अंदर बहुत खट्टापन रहता है, तो वो इसके अंदर है। ओके, तो ये सिट्रस फ्रूट जो होता है, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, लेमन, ये सारे जो फ्रूट है उसमें से लिया गया है। ब्लड वेसल्स के लिए अच्छा है। हेस्प्रिडिन में बायोफ्लेवोनाइड्स है, एक तरह के प्लांट पिगमेंट होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ओके, तो ये कच्चे फलों में ही ये पाया जाता है। ये ब्लड वेसल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, एलर्जी से फाइट करता है, ऑफकोर्स इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही है सी प्लस। एक्टिव प्रोबायोटिक ये क्या है, तो ये हमारे पाचन संस्था जो रहती है ना उसको सुधारने के लिए बहुत अच्छा है। तो गुड बैक्टीरिया हमारी पाचन संस्था के लिए बहुत अच्छा है, जिसको प्रोबायोटिक कहते हैं। तो एक्टिव प्रो भी जो रहता है वो आंतों को साफ करता है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को ये बढ़ा देता है। तो हेल्दी बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। ये बैड बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लीन रखता है, गैसेस है जिनको ब्लोटिंग होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उनको ये मतलब दूर करने की क्षमता इसके अंदर ये दूर कर देता है। सो फॉरएवर प्रो एक्टिव प्रो भी में ना 8 बिलियन CFU है। CFU मतलब क्या है, होता है ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स होता है, मतलब ये जो होता है ना ये हेल्दी वायबल सेल्स है। तो ये 6 सिनर्जी बैक्टीरियल स्ट्रेन्स है, मतलब बैक्टीरिया को बैलेंस रखता है ये, और GI ट्रैक तक सही सलामत ये पहुंचा देता है। तो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है, डाइजेशन में भी ये मदद रूप होता है। ये क्रायोटेक्नोलॉजी से बनाया है, तो ये वेजिटेरियन कैप्सूल है ये, इसकी बॉटल जो है ना वो भी एक अनोखी है। तो एक्टिव बायोटेक्नोलॉजी से ये बॉटल बनी है, जिसकी वजह से मॉइस्चर को टाइट रखता है। स्पिल प्रूफ बॉटल है ये, आप मॉर्निंग में पानी के साथ में इसको ले सकते हो। इसके अंदर प्रीबायोटिक भी है, तो ये आप बिंदास आप पानी के साथ में ले लोगे तो बहुत अच्छे से अंदर का सिस्टम जो है वो क्लीन हो जाता है। फॉरएवर एक्टिव HA मतलब क्या, हाइलुरोनिक एसिड। ये एक प्रोटीन है जो हमारे शरीर में मौजूद होता है, तो ये जो लुब्रिकेशन जो है ये बढ़ाने का काम करता है, जॉइंट्स के अंदर मसल्स को कुशनिंग देने का काम करता है, और स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करता है। तो हमारी आंखों के अंदर जो नमी रहती है ना, जो पानी रहता है ना, वो जो है वो HA की वजह से होता है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होता है, HA कम होने लगता है, तो जॉइंट्स का जो नेचुरल लुब्रिकेशन होता है वो कम होने लगता है, हमारी स्किन जो है ना वो भी ड्राई और डल दिखने लगती है। तो फॉरएवर एक्टिव HA ये सप्लीमेंट्स में ना मॉइस्चराइजिंग एंड लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। इसके अंदर जिंजर ऑयल है, टर्मरिक है, जो
बहुत ही पावरफुल न्यूट्रिएंट्स है जॉइंट्स के लिए। जिंजर ऑयल में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, टर्मरिक में कर्क्यूमिन होता है, ये कर्क्यूमिन जो होता है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो एक पावरफुल न्यूट्रिएंट्स है जो आपके जॉइंट्स के लिए और स्किन के लिए बहुत जरूरी है। 60 सॉफ्ट जेल्स है इसके अंदर, पूरे महीने का ये पूरा टॉनिक है, पूरे महीने का ये टॉनिक लेना बिल्कुल ना भूले आप। फिर आते हैं आरजी प्लस। आरजी प्लस ना एक ये एक पोटेंट अमाइनो एसिड्स है जिसे साइंटिस्ट लोग मिरेकल मॉलिक्यूल से जानते हैं। ओके, ये ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करता है, सपोर्ट करता है पूरे शरीर के जरूरी फंक्शन के लिए। तो हमारा जो शरीर है ना, एल आर्जिन को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करती है, ब्लड वेसल्स को ओपन करता है, वाइड करता है और रिलैक्स करने का काम करता है। ब्लड फ्लो जो रहता है ना उसको बढ़ाने का काम करता है, सर्कुलेशन में बहुत अच्छे से मदद करता है, जिनको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी बहुत फायदेकारक है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्ट्रांग करता है, ये इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है, बोन टिश्यूज को रिपेयर करने में मदद करता है, एंटी एजिंग और हॉर्मोन्स को बढ़ाने में ये मदद करता है। तो इसके अंदर पोमेग्रेनेट है जो बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ओके, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये दूर करता है। इसमें बहुत सारे बेरीज है और ये जो बेरीज है ना इतने ज्यादा टेस्टी है, इसका आप पैकेट खोलोगे तो भी उसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है कि पूरा ऐसा कच्चा खा जाओ वो पाउडर ऐसा लगता है। तो ये जो है आपका मेटाबॉलिज्म भी स्पीड अप कर देता है। जैसे मैंने बताया कि अभी वेट मैनेजमेंट का जो चैलेंज है वो स्टार्ट होने वाला है, ये वेट मैनेजमेंट का और एक पार्ट जो है और एक हिस्सा है, आरजी प्लस भी उसके अंदर शामिल है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म जो है आपकी चयापचन की क्रिया बढ़ जाती है और आपको वजन कम करने के लिए भी हेल्प करता है। और ये एनर्जी ड्रिंक है, ये आपको एनर्जी देता है, तो आपको मतलब डल नहीं महसूस होगा या थकान बिल्कुल महसूस नहीं होगी। ये लोगे तो आप और ज्यादा एनर्जेटिक जो है वो महसूस करोगे। तो जिम में जो जाते हैं लोग उनके लिए भी बहुत अच्छा है, ये मसल को बिल्ड करने में ये काम करता है। एलोवेरा के साथ में मिक्स करके इसको पीना है। तो हमारे पास जैसे ट्राईपैक है, ट्राईपैक का जो एक एलोवेरा है छोटा वो 330 ml का एलोवेरा है, उसके अंदर एक पूरा पैकेट डाल दोगे आप। ये पूरा पैकेट मतलब आप इतना बड़ा पैकेट दिख रहे हो वो इतना बड़ा पैकेट नहीं डालना है, अंदर छोटे छोटे शेशे हैं तो वो आप एक खोलो और 30 ऐसे हैं, तो रोज का एक जो है वो आपको पीना है। एक कट करो एलोवेरा के अंदर डालो, एक 330 ml वाला, उसको शेक करो और आप उसको पी लो, तो फुल डे आपको एनर्जी जो है वो मिलेगी और सारे एलोवेरा के बेनिफिट, सारे आरजी प्लस के बेनिफिट जो है वो इसमें से मिल जाएंगे। तो विटामिन डी, विटामिन डी खाना भी बहुत जरूरी है। तो डी में क्या क्या बेनिफिट होते हैं, तो ये बोन हेल्थ को के लिए अच्छा होता है, ब्लड शुगर लेवल के लिए अच्छा होता है, वो मैनेज करता है ब्लड शुगर लेवल को, फिर कंसंट्रेशन के लिए काम करता है, मेमोरीज को बढ़ाता है, हार्मोन रेगुलेशन के लिए काम करता है, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है ये, हार्ट के लिए अच्छा है, कैंसर के लिए अच्छा है। जिंक के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये जो है ना ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये शरीर के अंदर अगर कमतरता होती है तो बहुत सारी गड़बड़ी जो है वो होने लगती है। तो ये क्या करता है, रेगुलेट करता है बॉडी को, इंप्रूव करता है मेमोरी को, ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा है, एक्ने के लिए अच्छा है, डायरिया अगर होता है वहां पे भी काम करता है, मसल मास को बढ़ाने का काम करता है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए अच्छा है, स्किन प्रॉब्लम्स जो है, स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं लोगों को, तो जिंक खाना जरूरी है, नहीं तो वो आप ले सकते हैं आपके रोजमर्रा के खाने में। तो ये प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरी है। ये दोनों विटामिन जो है ना ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। तो ये दोनों भी है ये इम्यू ब्लेंड के अंदर है और साथ में विटामिन सी, तो ये तीनों चीजें जो है इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। तो हमारे शरीर को ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, इसमें विटामिन सी डी और जिंक है, इसके अंदर शिताकी मशरूम है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, एंटी एजिंग है ये। मिटाकी मशरूम जो है ये हजारों सालों से यूज किया जाता था मेडिसिन के अंदर, तो मिटाकी मशरूम जो है कैंसर के लिए बहुत ही फायदेकारक है। ऐसा बोलते हैं कि कीमोथेरेपी जब भी होता है ना तभी उसके साइड इफेक्ट को ये मिटाकी मशरूम जो है वो रोकता है। तो सोचो ये ऐसे इंग्रेडिएंट हमारे इम्यू ब्लेंड के अंदर है, तो ये
इम्यून को भी एनहेंस करने का काम करता है। लैक्टोफेरन है इसके अंदर, ये प्रोटीन है लैक्टोफेरन, मतलब जो आयरन से रिच है, हीमोग्लोबिन वगैरह जो है ये बढ़ाने का काम करता है। तो ये सारा इम्यूब्लेंड जो है आजकल हमको लेना बहुत जरूरी है डेली के आपके सप्लीमेंट्स के अंदर। ये सप्लीमेंट्स भी आप इंक्लूड कर लीजिए बिल्कुल। लास्ट है वाइटलाइज फॉर मेन, वाइटलिटी बढ़ाने के लिए। जैसे लेडीज के 40 की उम्र के बाद बहुत अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, वैसे मेन्स के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है होते हैं 40 के बाद। तो ये जो है ये आप ले सकते हैं, मेंस की वाइटलिटी को ये बढ़ाने का काम करता है। इसके अंदर विटामिन डी है, इसके अंदर विटामिन ई है, B6 है, जो हेल्दी रहने के लिए बहुत ही जरूरी है। बायो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर, ज्यादा पावरफुल बोटानिक्स है इसके अंदर, जो प्रोस्टेट हेल्थ को सपोर्ट करने का ये काम करते हैं। तो हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये हेल्थ प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, किसी भी किस्म की दवाइयां बिल्कुल नहीं है। इसके लिए कोई प्रिस्क्राइब डोसेजेस नहीं है, तो इसके लिए उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। आप जितना चाहे उतना एलोवेरा आप पी सकते हो, तो उसके बिल्कुल कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होने वाले हैं। So it's all about you. You get the highest quality. You are in the right hands. You are the most important person. So forever के जितने भी products हैं, आप उसको खाइए, आप अपनी immunity जो है वो बढ़ाइए। अभी हम जाते हैं वापस साइमन सर के पास, जिन्होंने हमको ये platform दिया आप तक पहुंचाने के लिए। मैं अपना screen share जो है वो बंद करती हूँ, मैं वापस आपके सामने आ गई हूँ। So आई होप आपको ये जो चीजें मैंने आज अभी बताई वो आपको हेल्प करेगी। सो थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू साइमन सर। या थैंक्स मनीषा, अमेजिंग। आई मीन जो मैं ये नोटिस भी किया कि पूरे चैट में सब लोग एकदम ध्यान से कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, और भोजन ने ये भी कमेंट पास किया कि अमेजिंग ट्रेनिंग, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। तो आई थिंक यू मस्ट कम अगेन एंड अगेन फॉर दिस सेमिनार। अगर किसको कुछ क्वेश्चन पूछना है, कैन वी टेक 3 क्वेश्चंस? या श्योर श्योर, या आई हैव टेक द परमिशन। ओके सो गाइस, अगर कोई आपके पास क्वेश्चन है मनीषा के लिए, तो प्लीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स। मार्केटिंग प्लान मत पूछना, प्रोडक्ट कैसा डिलीवरी होता है वो मत पूछना, प्रोडक्ट टाइम पे नहीं आया वो मत पूछना, पूछना जो रिलेटेड टू द क्वेश्चंस विद द प्रोडक्ट्स आर देयर। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो मैं चैट चालू किए हैं। फैंटास्टिक थिंग, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जब कोई क्वेश्चन, सब थैंक यू कर रहे हैं आपके, बहुत दे लाइक योर सेमिनार, वंडरफुल इन्फो, थैंक्स अ लॉट मैम। सो क्वेश्चंस कोई नहीं दे रहा है, व्हिच इज फैंटास्टिक, बिकॉज़ देन दैट मींस योर ट्रेनिंग वाज सुपर्ब। थैंक यू मैम, सॉरी फॉर द अमेजिंग प्रेजेंटेशन, एक्सीलेंट इन्फॉर्मेशन, रिच कंटेंट, थैंक्स मनीषा करके लिखा है, वंडरफुल इन्फो, थैंक्स मैम। हाँ, ये क्वेश्चन एक आया है, आर्टिक सी बच्चे लोग को दे सकते हैं क्या? यस सर, बच्चे लोग को दे सकते हैं, पर अभी कितना साल का बच्चा है वो देखना जरूरी है, क्योंकि छोटा बेबी जो रहता है ना, बालक जो जन्मा हुआ रहता है, तो वो तो निकल नहीं सकता है, लेकिन उसको पंक्चर करके जो ऑयल रहता है वो उसके रिस्ट पे, यहाँ पे जो नर्व रहता है वहां पे उसको लगा सकते हैं, ताकि वो उसमें भी अंदर जाए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर माएं खाती है तो बच्चे अंदर से ही इंटेलिजेंट पैदा होंगे, डिलीवरी भी बहुत अच्छे से हो जाती है बच्चों की, और बच्चे क्योंकि एक कैप्सूल बड़ा है, तो अगर निगल सकते हैं तो ही उनको दीजिएगा, और तब तक वो मत दीजिएगा, कहीं अटक नहीं जाए। तो आप बच्चों को दे सकते हो, ओमेगा 3 बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। किसने पूछा, मेरा बच्चा 12 साल का है, तो 12 साल के ऊपर दे सकते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, दे सकते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन है, Do these products have any kind of chemicals? No, not okay. at all. तो वो जो question बहुत simple हुआ, question था chemicals है, one simple answer no and that's it. Aloe vera freeze से क्या मैडम हमारा honey diabetic लोग को दे सकते हैं क्या? हमारा जो शहद है honey, can we give it to diabetic? जरूर दे सकते हैं honey diabetic वालों को भी दे सकते हैं, पर ये ध्यान रखिए कि डायबिटिक वालों को ना क्रेविंग ज्यादा रहती है, तो हनी अगर आपने एक चम्मच लेने को बोला वो 4 चम्मच ना ले, वो उतना सिर्फ ध्यान रखना है, तो कंट्रोल में डेफिनेटली ले सकते हैं वो। आप चाय के अंदर भी डाल के आप हनी पी सकते हैं, तो बेनिफिशियल है उनके लिए भी।
और दो तीन और क्वेश्चन है लेकिन हम लोग लेंगे नहीं, हम लोग ने तीन क्वेश्चन प्रॉमिस किया था तो तीन के लिए. मनीषा थैंक्स अ लॉट, अमेजिंग सेटअप, अमेजिंग ट्रेनिंग. सो गाइस प्लीज कम गेट इन्वॉल्व विद द ट्रेनिंग एंड प्लीज सेंड योर लिंक टू ऑल योर फ्रेंड्स. आपको जिससे भी ये ट्रेनिंग का लिंक भेजा है दैट इज योर सर्विस सेंटर, सो प्लीज गेट इन टच विद देम एंड दे विल गाइड यू हाउ यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कंपनी. सो मनीषा थैंक्स अगेन, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू, बाय.